नमस्कार दोस्तों, आज की शोडो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बैकअप खिलाड़ियों के बारे में। क्या दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें, पंजाब की टीम टारगेट कौन से ओवरसीज खिलाड़ियों करेगी जिनको वो एज अ बैकअप अपने टीम में रखेगी? क्योंकि यार पंजाब टीम की बात करें तो उनके ओवरसीज खिलाड़ियों में तीन स्लॉट पहले से फिक्स है। एक तो कगिसो रबाडा, लियम लिविंगस्टन और तीसरे खिलाड़ी जॉनी बेस्टो। ऐसे में अगर हम चौथे स्पॉट की बात करें तो वहां पर सीधी सी बात है, पंजाब की टीम किसी ऑलराउंडर खिलाड़ी को टारगेट करेगी। वो हो सकते हैं बेन स्टोक या सैम करन या तो कैमरन डीन, क्योंकि ये तीन खिलाड़ी फिलहाल ओवरसीज खिलाड़ियों में और बेस्ट ऑलराउंडर में सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी है। तो जाहिर सी बात है, इनके पीछे सभी टीमें जाएंगी तो पंजाब की टीम भी बेशक जाएगी, और पंजाब टीम के पर्स में 32 करोड़ रुपए भी हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब की टीम बैकअप में कौन से खिलाड़ी रखेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अगर कोई खिलाड़ी हो सकता है किसी कारण से आईपीएल 2023 के सीजन में आधे सीजन से बाहर हो जाए या तो मतलब पूरा सीजन खेल नहीं पाए किसी कारण से, तो बैकअप खिलाड़ी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे में। तो ऐसे में पंजाब की टीम तीन खिलाड़ियों को टारगेट करने के लिए देखेगी होने वाले 23 दिसंबर की मिनी ऑक्शन में। तो कौन से खिलाड़ी हैं, चलिए आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, शादी में आया था। इसके अलावा हमारे नए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर हम सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो वो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपली। या दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें, रीस टॉपली इंग्लैंड के लिए T20 और वनडे फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस किए थे। हालांकि ये T20 विश्व कप 2022 नहीं खेल पाए इंजरी कारण, लेकिन अब ये पूरी तरह फिट हो जाएंगे और आईपीएल 2023 शुरू होने तक ये पंजाब टीम क्या किसी भी टीम के लिए खेलेंगे तो अच्छा करके देंगे। ऐसे में पंजाब की टीम इनको टारगेट करना चाहेगी और अपनी टीम में एज अ बैकअप बॉलर रखेगी, या तो कगिसो रबाडा के साथ इनकी जोड़ी रहेगी पावर प्ले में और डेथ ओवर में। लेकिन उसके लिए एक ओवरसीज खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा। खैर, ये पंजाब टीम के पहले टारगेट खिलाड़ी हो सकते हैं और ये अच्छे खासे रकम में भी मिल सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो हो सकते हैं एडम जंपा की बात लोग इतना नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्पिनर है, खास करके एशियाई कंडीशन में और भारतीय पिचेस पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। और ये आईपीएल में जिस टीम के लिए खेल रहे हैं उस टीम के लिए विकेट टेकर का काम किए हैं, और ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी विकेट टेकर गेंदबाज हैं। ऐसे में पंजाब की टीम राहुल चहर के बैकअप में इनको भी अपनी टीम में शामिल कर सकती है, या तो पंजाब की टीम पीयूष चावला और अमित मिश्रा के पीछे जाए। और तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो हो सकते हैं हैरी ब्रूक। इंग्लैंड टीम के लिए T20 फॉर्मेट में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छा किया, खास करके टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी मिला उनको। तो यहाँ पर पंजाब की टीम हैरी ब्रूक को भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि लियम लिविंगस्टन पंजाब टीम के पास एज अ फिनिशर और मिडल ऑर्डर में खेलेंगे और वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो पंजाब की टीम उनके रिप्लेसमेंट में हैरी ब्रूक को खिला सकती है, क्योंकि हैरी ब्रूक भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हालांकि वो गेंदबाजी इतना नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हार्ड हिटिंग की वजह से पंजाब की टीम उनको अपने टीम में शामिल कर सकती है आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में से। तो ये पंजाब टीम के टारगेट खिलाड़ी हो सकते हैं, इनको पंजाब की टीम एज ए बैकअप भी खिला सकती है। बाकी इसके अलावा देखें तो और भी खिलाड़ी होंगे जिनके बारे में आगे आप सभी लोग को बताएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।